हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम कौन सा कर रहे थे? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक हमने किया था, कर रहे थे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन कर चुके हैं, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कर चुके हैं और करेक्टिंग मीन वाला कर चुके हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? The sum of the deviations of the items from arithmetic mean is always zero. इसका मतलब क्या हुआ? Sum of the deviation, summation of the deviation means difference. फ्रॉम देयर ऑफ द आइटम्स, आइटम्स क्या है कि आइटम्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू सोन। तो एक्स आईज हो गया फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, एक्स आई माइनस एक्स बार विल बी जीरो। ये होना चाहिए। अगर हम आप मतलब आपको क्लियर नहीं होता है तो आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हो। तो क्या होगा, हम समेशन को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स बार। जब इसको ओपन करोगे, समेशन ऑफ एक्स आई मैंने आपको बताया था क्या होता है, एन एक्स बार माइनस समेशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार हमारी एक सिंगल क्वांटिटी आती है और समेशन है, एक्स बार हमारा एन टाइम तक चलेगा क्योंकि ये हमारा समेशन एन तक है, तो ये एन टाइम्स तक चलेगा, तो इट विल बी एन एक्स बार, तो इट विल बी जीरो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थमेटिक मीन, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम From arithmetic mean is always zero. Second property is the sum of the squared deviations. अभी तो खाली sum था, अब squared deviations है, of the items from arithmetic mean is मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सम ले रहे हैं ऑफ द स्क्वेयर डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम, दैट इज इट इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वेयर डेविएशन of the items from any other value, that is कि जब हम ना स्केयर डेविएशन लेते हैं, समेशन क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द स्केयर डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्केयर, ये क्या होगा? हमेशा मिनिमम होगा अगर हम एक्स बार की जगह कुछ और लगा देते हैं। जैसे हमने क्या किया था, जब मैंने शॉर्टकट मेथड करवाया था आपको, ए हम ले रहे थे शॉर्टकट मेथड में कैपिटल ए, वो ए मैं आपको बोल रही थी कि आप बीच में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट अगर हम मीन लेते हैं और फिर जब स्केयर डेविएशन निकालते हैं, इट इज ऑलवेज लेस देन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए का स्केयर, क्योंकि ए हमने रेंडमली चूज किया है बीच वाली वैल्यू से, एक्स बार क्या है मीन। जब हम मीन से इसका स्केयर डेविएशन लेंगे तो इट विल गिव अस, ऑलवेज गिव अस द लेस वैल्यू। इस प्रॉपर्टी को मैं आगे आपको करवाऊंगी वेरियंस वाले टॉपिक में, तो वो वहां पर हमारा कवर हो जाएगा कि वेरियंस हमेशा मिनिमम होता है। कब मिनिमम होता है? जब ये हमारा डेविएशन मीन के थ्रू लिया जाता है। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनको अच्छी तरह आपने पढ़ना है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अर्थमेटिक मीन है, जब हम वैल्यूज में कुछ प्लस माइनस करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन हमेशा
अफेक्ट करता है, ये नहीं कि सेम रहेगा, इट ऑलवेज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ द ओरिजन एंड स्केल। मतलब जब हम ओरिजन में माइनस प्लस करें या डिवाइड करें उसको, तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज सफर। नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन द वेटेड मीन्स। नाउ वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये देखिए अर्थमेटिक मीन दो या दो सब्जेक्ट या सीरीज को कंपेयर करने के काम भी आता है। कई बार क्या होता है, जब हमें किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है, मानो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो उनके मार्क्स से कुछ ना कुछ वेटेज गिवन होगी, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स से वेटेज गिवन होगी, उनके ऊपर हम वेट्स को अप्लाई करके अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, और जिसका हमारा अर्थमेटिक मीन ज़्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस हमारी ज़्यादा होती है। तो वेट कुछ नहीं होता, फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम, हम फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या करते हैं इसमें वेट को अटैच कर देते हैं। फॉर्मूला इज सेम, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, वहाँ क्या किया था, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू आर द वेट्स जो हमारे इसमें अटैच होते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। तो अब इसे हम करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसके नोटेशन देखें तो ये क्या हो जाती है, दिस इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, देन समेशन ऑफ डब्ल्यू, वहाँ पर क्या था, समेशन ऑफ एफ था, दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर समेशन ऑफ वेट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द वेट्स। नोटेशंस याद रखने बहुत जरूरी है, और एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स जो हमें स्टडी करने हैं। अब इसके बेसिस पे अनसोल्व प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। नाउ वी विल स्टार्ट द अनसोल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब क्वेश्चन नंबर वन देखिए, अनसोल्व प्रॉब्लम, अ हाउस वाइफ यूजेज 10 किलोग्राम ऑफ व्हीट, 20 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 2 किलोग्राम ऑफ ऑयल। ये तो हमें पता है कि दीज आर द वेट्स, क्योंकि ये इस टर्म में दिए हुए हैं किलोग्राम में, तो हमारे पास ये दिया हुआ है व्हीट 10 किलोग्राम है, फ्यूल 20, शुगर 5 किलोग्राम एंड ऑयल आर 2 किलोग्राम। नाउ प्राइस पर किलोग्राम, सभी का किलोग्राम में प्राइस गिवन है, ऑफ दीज आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली रुपीज 1.50 इज रिलेटेड टू व्हीट, 0.50 इज रिलेटेड टू फ्यूल, 2.80 इज फॉर शुगर एंड 10 रुपीज फॉर ऑयल। नाउ टेकिंग क्वांटिटीज एज वेट्स, जो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज क्या है, जो किलोग्राम्स में हमें गिवन है, एज वेट्स फाइंड आउट द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्राइसेस, प्राइसेस का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अब हम लिख लेते हैं, आइटम्स क्या क्या हैं हमारे पास यहाँ पर, वीट, देन फ्यूल, इसके बाद शुगर, देन ऑयल, दीज आर द क्वांटिटीज। वेट क्या है अटैच इनके, वेट्स आर डब्ल्यू, 10 किलोग्राम ऑफ वीट, 24 फ्यूल, 5 केजी शुगर एंड 2 केजी ऑयल। अब इनके प्राइसेस गिवन है, प्राइस है हमारे पास 1.50, देन 0.50, 2.80 एंड 10। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेकिंग क्वांटिटीज यूज्ड एज वेट्स, ये हो गया फाइंड आउट द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्राइसेस, प्राइसेस का हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, इट मीन दिस इज एक्स, वेट साथ में हमारे अटैच है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला था हमारा वेटेड मीन का, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो अब हमें समेशन ऑफ डब्ल्यू चाहिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 37, दिस इज समेशन ऑफ डब्ल्यू। अब और क्या चाहिए हमें, समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं विच इज फॉर डब्ल्यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, दिस विल बी 15, 10, 14, 20। सो द समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 59। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो दिस विल बी 59 एंड दिस इज 37। तो ये हमारा आ जाता है
1.59 पर केजी। ये हमारा वेटेड मीन आ गया है यहाँ से। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड अनसॉल्व प्रॉब्लम इज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट प्राइस अ स्टॉक सोल्ड एट ₹50 पर शेयर ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे का क्या था हमारा, ₹50 में शेयर बिके। देन ₹40 ऑन द नेक्स्ट डे एंड ₹25 ऑन द थर्ड डे। इफ द इन्वेस्टर बोट 100, 120 and 180 शेयर ऑन द रिस्पेक्टिव थ्री डेज। कि इन्वेस्टर ने पहले दिन तो 100 परचेज किए, देन 120 and 180 सेकेंड और थर्ड डे को किए परचेज। देन फाइंड द एवरेज प्राइस पेड पर शेयर। अब हमें शेयर का एवरेज प्राइस निकालना है, तो शेयर विल बी एक्स। हमारा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेयर। तो क्या हो गया, अब देखिए द प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस जो है हमारा इसके एवरेज निकालने, तो प्राइस ऑफ द शेयर विल बी एक्स। ये क्या गिवन है, फर्स्ट डे को ₹50 में शेयर बिके, देन 40, देन 25। फिर हमें गिवन है कि इफ द इन्वेस्टर बोट, कितने खरीदे उनके ऊपर कितना वेट अटैच है, कि पहले दिन कितने खरीदे, तो वो है 100, 120, 180। ये किसके यहाँ हमारा था, फर्स्ट डे, ये भी आप लिख सकते हो, सेकंड डे एंड थर्ड डे प्राइस एंड देयर शेयर्स। अब हमारे पास क्या, हमें क्या निकालना है, बाय फॉर्मूला। एवरेज कैसे निकाली जाएगी, वेट्स हमें गिवन है, दिस विल बी समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। तो अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, समेशन ऑफ डब्ल्यू इट विल बी 400, देन समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स। तो उसके लिए हम पहले डब्ल्यू एक्स निकालेंगे। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपने देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है, दिस वन। अब हम इनका समेशन लेंगे डब्ल्यू एक्स का, इट विल बी 1430। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1430 डिवाइडेड बाई 400, इट विल गिव अस 35.35। तो जो एवरेज प्राइस था पेड पर शेयर इज 35.35। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस आपने ये देखना है कि वेट क्या होगा और इनका प्राइस क्या। प्राइस तो ऑलरेडी पता चल चुका है हमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डे का शेयर मार्केट में प्राइस क्या है, ये है, और क्या कितना खरीदा, दीज आर द वेट्स, कि कितने, जैसे हम कहते हैं ना कितने किलोग्राम खरीदा, कितने मीटर खरीदी कोई चीज़, तो ये क्या है, कितने हमारे इन्वेस्टर ने ये बाय किए शेयर्स, दैट इज 100, 120 and 180। इनके प्राइस हमारे रिस्पेक्टिव गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला अप्लाई करके वेटेड प्राइस निकाल देंगे। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आप देखिए थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ टू कॉलेजेस ए एंड बी विच इज बेटर। दो कॉलेजेस का डाटा गिवन है और हमें ये चेक करना है विच इज बेटर, और परफॉर्मेंस वाइज देखना है। तो क्लास हमें गिवन है एम ए, एम कॉम, बी ए, बी कॉम। अब कॉलेज ए है, उसमें दिया हुआ है अपीयर कितने बच्चे थे और पास कितने हुए। तो अपीयर कितने बच्चे हैं इसमें, एमए में 100, देन 60 एमकॉम में, देन 200 इन बीए, 120 इन बीकॉम। फिर हमें पास गिवन है 90, 45, 150 and 75। ये हमें पास स्टूडेंट गिवन है कि 100 अपीयर हुए थे तो उसमें 90 पास हुए। तो हमने इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसके पास परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है। तो पास परसेंटेज जब फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगी हमारी एक्स, क्योंकि पास परसेंटेज से ही हमें पता चलेगा विच कॉलेज इज बेटर। और अपियर क्या हो गए हमारे यहाँ पर, वेट्स, की टोटल हमारे पास कितने बच्चे अपियर हुए थे। तो पास परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, 90 divided by 100 multiplied by 100, दिस इज द पास परसेंटेज। तो ये 90 ही आ गए यहाँ पर, देन 45 divided by टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 75, देन 150 divided by 200 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज
also 75, then 75 divided by 120 multiply by 100, it will give us 62.5. तो ये हमारे पास कॉलेज ए का आ गया. तो अब हमने क्या निकालना होता है जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, W1X. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9000, दिस विल बी 4500, देन 15000, देन 7500. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 को 120 से, फिर हमने इनका टोटल निकालना है, दिस इज 36000. और वेट्स का टोटल क्या हो जाएगा, जब हम वेट्स का टोटल निकालेंगे, दिस इज 480. तो जब हमने फर्स्ट कॉलेज की ए कॉलेज के वेटेड मीन निकालना है, क्योंकि वेट्स हमें गिवन है, तो एक्स बार ऑफ कॉलेज ए या डब्ल्यू ए ये भी लिख सकते हैं, दिस विल बी समेशन ऑफ डब्ल्यू वन एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू वन. तो इट विल बी 36000 डिवाइडेड बाई 480, इट विल बी 75. और परसेंटेज के फॉर्म में है, तो दिस विल बी 75%. जो इनकी परफॉर्मेंस है, दिस इज 75%, इतने परसेंटेज रिजल्ट आया. तो कॉलेज बी का भी हमें डाटा गिवन है, तो फर्स्ट कॉलेज का हम नोट डाउन कर लेते हैं, दिस इज 75%. तो कॉलेज बी का आप देखते हैं क्या गिवन है डाटा हमें. अपीयर्ड है स्टूडेंट एमए के, दे आर 240, 200, 200, 160. इनमें पास्ट है बच्चे, जो स्टूडेंट पास्ट है, दीज आर द 200, 160, 140 एंड 100. फिर हमने इसमें सेम पास्ट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करोगे, 200 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल गिव अस 83.33. देन 160 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी 80. देन सिमिलरली दिस इज 70, दिस इज 62.5. फिर हमने क्या करना है, दीज आर द एक्स, क्योंकि इसके बेस पे हमारी परफॉर्मेंस आएगी, दिस इज डब्ल्यू टू. तो हमने डब्ल्यू टू एक्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इट विल बी 20,000, इट इज 16,000, 14,000, देन 10,000. समेशन निकाल लेते हैं, डब्ल्यू वन टू एक्स, दिस विल बी 60,000. अब समेशन ऑफ डब्ल्यू टू निकालते हैं, इट इज 800. और पीछे हमारा क्या आया था, जब हमने वेटेड मीन निकाला था कॉलेज ए का, दिस वॉज 75%. अब हम वेटेड मीन निकालते हैं कॉलेज बी का, इट विल बी 60,000 डिवाइडेड बाय 800, इट इज 75%. बोथ आर गिविंग अस 75% रिजल्ट, सो दो बोथ कॉलेजेस आर इक्वली गुड. सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. ये ध्यान रखना है आपने, अगर मान लो हमारे पास एक की परफॉर्मेंस ज़्यादा आ जाती है, एक का वेटेड मीन ज़्यादा आ जाता है, ये 75% आता है, इसका 70% आता, तो जिसकी वेटेड मीन ज़्यादा होती, दैट कॉलेज विल बी द बेटर. वो जो हमारे था, क्योंकि रिजल्ट के बेसिस पे हमने इसको निकाला है, तो उस पर हमारे परफॉर्मेंस पता चल जाती. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेटेड मीन. नाउ द फोर्थ अनसॉल्व प्रॉब्लम इज, an examination was held to decide the award of a scholarship. The weight of various subjects were different. Weights given hai different subjects ke. The marks obtained by three candidates ne apply kiya scholarship ke liye aur unke marks given hai. Out of 100 in each subjects are given below. Find out which student will get the scholarship. Ki kaun se student ko scholarship milegi. सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इनके बेसिस पर वेट्स गिवन है और स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं. अब हमें चेक करना है कि किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी. ऑब्वियस है, जिसका एवरेज मीन या एवरेज या अर्थमेटिक मीन या मीन हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. वेट्स गिवन है तो वेटेड मीन जिसका ज़्यादा आएगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी. तो हमें फॉर्मूला पता है, वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ,
x bar weight is equal to summation wx over summation of w. तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर a b c का गिवन है, दिस इज w, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स. तो ये आप निकालो आप w a w b w c. w a निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 240, देन 186, 110, दिस इज 67. फिर डब्ल्यू बी निकालेंगे तो 57 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज 228, 183, 106, दिस इज 77. डब्ल्यू सी निकालेंगे, दिस इज 248, 201, 120 एंड दिस इज 149. अब हमने क्या करना है, समेशन निकालना है, तो इन सब का समेशन निकाल लेते हैं. समेशन ऑफ डब्ल्यू ए विल बी 603, समेशन ऑफ डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 594, देन समेशन ऑफ डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 680. तो अब हमने यहाँ से वेटेड मीन निकालना है सभी का, तो वेटेड मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार डब्ल्यू जो हम ए का निकालेंगे तो इट विल बी 603 डिवाइड बाय वेट्स का टोटल कर देते हैं, तो ये क्या है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 60.3. सिमिलरली वी विल गेट द वेटेड अर्थमेटिक मीन फॉर बी, दिस विल बी 594 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 59.4. देन वेटेड मीन ऑफ सी इट विल बी 618 डिवाइडेड बाय 10, इट विल बी 61.8. अब इनको कंपेयर करिए तीनों को, तो वेटेड मीन देखिए किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है इसमें. जब हम देखते हैं तो वेटेड मीन ऑफ सी इज हायर देन द वेटेड मीन ऑफ ए एंड बी, सो द स्टूडेंट सी विल गेट द स्कॉलरशिप. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. नाउ इन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि अब आगे मैं आपके लिए और भी स्टेटिस्टिक्स के टॉपिक लेके आऊँगी जिसमें हम सभी टॉपिक कवर करेंगे. नाउ द सेकेंड जो हमारा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी वो क्या है, मीडियन. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द मीडियन, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है मीडियन का, उसके अनसोल्ड एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊँगी. ठीक है, उसके लिए हमारे वीडियोस पे बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि बेल आइकन बटन अगर आप प्रेस नहीं करते यू विल नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन ऑफ आवर टाइम टू टाइम वीडियोस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़.